हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोटद्वार नगर निगम के विरोध और आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए नगर निगम विरोध संघर्ष समिति की बृहस्पतिवार को पदमपुर सुखरौ और बैठक हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार हमी तानाशाह पूर्ण नीति के तहत 73 गांवों को जिस समय नगर निगम और शामिल कर रही है, सरकार गांवों का वजूद खत्म कर ग्रामीणों से टैक्स वसूलने के लिए जिस समय नगर निगम बना रही है। बृहस्पतिवार को पदमपुर सुखरौ स्थित प्रगति बिल्डिंग क्लाइंट और आयोजित समिति की बैठक और नगर निगम का पुरजैसार विरोध करने के लिए रणनीति तैयार की गई। कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार की तानाशाह पूर्ण नीति का हर कीमत पर विरोध करेगी। गांवों के लोगों पर बिना मांगे नगर निगम थोपा जा रहा है, जिसका जवाब आने वाले चुनावों और जनता देगी। कहा कि गांवों का वजूद बचाने के लिए कोर्ट की शरण और जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकतांत्रिक ढंग से भी लड़ाई जारी है। ग्रामीण पानी भी शक्ति प्रदर्शन कर हमी ताकत का एहसास कराएंगे। कहा कि भाबर के गांवों की स्थिति कोटद्वार शहर से कहीं अधिक है। सत्ता से जुड़े भूमाफिया और ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए गांवों को जिस समय नगर निगम और शामिल किया जा रहा है। बैठक और समिति के अध्यक्ष डॉ शक्तिशैल कपरवार, संचालक चंद्र प्रकाश नैथानी, राजा राम अर्थवाल, प्रभंद्र रावत, महानंद ध्यानी, प्रभाष चंद्र नवानी, विजेश्वरी जिंकवार, सरस्वती भंडारी, विजय ध्यानी, सूरज प्रसाद कांति, हरीश घिलडियाल, पद और अद्र शर्मा, प्रदीप नेगी, धर और अद्र रावत, संजय पंथवाल, दीपक पांडे, गणेश डबराल, कृष्णा बहुगुणा मौजूद रहे। फोटो समाचार। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।